नमस्ते प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में बच्चों चैप्टर 3 मोशन इन 1D के एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर, तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मैं क्लियर कर दूं आपको, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने के लिए कंडीशन क्या है, जो डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उन डिस्टेंसेस के कंपेरिजन में अगर उसका साइज, खुद का साइज नेग्लिजिबल है तो हम बोलेंगे उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल, रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। ठीक है, रेलवे कैरियज मूव कर रही है। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन दो स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट माने या ना माने। तो जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया है अगर हम उसको देखें, द रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस कंसीडर्ड टू बी लार्ज। अगर लार्ज मान रहे हैं साइज ऑफ द ट्रेन के कंपैरिजन में, तो ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। पर अगर डिस्टेंस बहुत कम है, ट्रेन बहुत लंबी है, तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक पर वो घूम रहा है, बंदर जो है बैठा है उसके कंधे पर मान लीजिए या सर पर बैठा है, तो ठीक है पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, तेजी से घूमती है। तो कंसेप्ट वही है, आप सोचिए इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। बी, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल, टेबल से नीचे गिर गया है। तो जो डिस्टेंसेस वो ट्रेवल करेगा उसके कंपैरिजन में जो उसका साइज है वो मैटर करता है। तो बी पार्ट में, एज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी इज लार्ज इन रीजनेबल टाइम, सो मंकी इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एज टर्निंग ऑफ बॉल, बॉल जो घूम रही है इज नॉट स्मूथ, दस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, जो घूमते हुए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किए घूमते हुए, वो बहुत ज्यादा नहीं है रीजनेबल टाइम में, जबकि बॉल का साइज है बड़ा कंपेयर टू जो डिस्टेंस उसने घूमते हुए ट्रेवल किए। तो ऐसे सिचुएशन में बॉल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। बीकर की बात करें, बीकर जो है गिर गया टेबल टॉप से, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय इज नॉट लार्ज रीजनेबल टाइम में, वो गिरा है तो बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं गिरा है, देयरफॉर इज नॉट ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये लॉजिक है पॉइंट ऑब्जेक्ट को मानने का। 3.2, पोजिशन टाइम XT graphs for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure 3.19. बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मजेदार सवाल है। जैसे एक बच्चा स्कूल से घर जाने के लिए रवाना हुआ, हो सकता है दोनों सेम टाइम पर रवाना हो सकता है एक जो है आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाए और कुछ टाइम बाद वहां से घर के लिए रवाना हो, ये भी हो सकता है एक बच्चा रास्ते में रुक जाए वगैरह वगैरह। तो इसमें हम इस केस में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लगाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन है उसको समझते हैं हम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है दो बच्चों के लिए, दो बच्चे हैं ए और बी और वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं जो है पी और क्यू, जो कि फिगर में दिखाया, भी फिगर देखते हैं। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। तो ये फिगर आप देख रहे हैं और इस ग्राफ के बेसिस पे हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, पहले वो देख ले हम। ये ए टी इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट हुआ, जबकि बी जो है टी इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ टाइम वो स्कूल में ही रुका रहा। अच्छा, एक्स टी कर्व का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख रहे हैं जिसका स्लोप ज्यादा नहीं, बी का स्लोप ज्यादा, बी इज मूविंग फास्ट, तेज चल रहे। अच्छा, जहां पर ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी ये वो पॉइंट है, यानी वो टाइम यहां पर मिलेगा हमें टाइम फ्रेम से जहां पर दोनों मिलेंगे, तो इस पॉइंट पर
ए और बी मिलेंगे, एक्चुअल में बी ए को ओवरटेक कर जाएगा। और फिर जब हम देख रहे हैं कि ये क्यू तक पहुंचने में जो समय लग रहा है बी को वो कम लग रहा है, जबकि पी तक पहुंचने में ए को जो समय लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। ए को ज्यादा समय लग रहा है, बी को कम समय लग रहा है, तो पहले घर कौन पहुंचा? ए। कुल मिलाकर अगर एक स्टोरी दिमाग में सेट की जाए तो ज्यादा होशियार बच्चा कौन सा? बी जो है रुका आराम से स्कूल में, लेट स्टार्ट हुआ और ए से पहले पहुंच गया, जबकि घर किसका दूर था? देखो क्यू बी का घर दूर था, बी का घर दूर होते हुए भी वो ए से पहले पहुंच गया। मजेदार बात है, सिर्फ स्पीड का खेल है बच्चों, तेज चलकर पहुंचा। तो अब आगे की कहानी आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि बी अपने घर पहुंचकर ए के घर पर फोन करता है, पूछता है कि मेरा घर तो दूर है, मतलब मजे ले सकता हूं कि मेरा घर तो दूर है फिर भी मैं पहले पहुंच गया, अभी तक ए नहीं पहुंचा। उसके पेरेंट्स को उसकी झूठी शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये तो मजे की बात हुई। अब सवालों को क्रम देखते हैं, हमें इसमें से चुनना है ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए। तो हमें पता है ए पास में रह रहा है तो बी को काट देंगे, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, बी दूर रह रहा है, बी का घर क्यों दूर है। ए और बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन, तो पहले कौन चालू होता है? ए। ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। कौन तेज चलता है? तो हमें पता है बी तेज चलता है, बी वॉक्स फास्टर देन ए। ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, तो हमने देखा अलग अलग समय पर पहुंच रहे हैं, बी पहले पहुंच रहा है, ए बाद में पहुंच रहा है। कौन ओवरटेक करेगा? तो बी ओवरटेक करेगा, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड, कितनी बार? एक बार। ग्राफ में हम देख रहे हैं एक बार ही मिल रहा है। तो ऐसे ये मजेदार सवाल होते हैं ग्राफ बेस्ड, और हम इनसे बहुत सारी बातें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक ग्राफ जो है पूरी कहानी बता देता है। 3.3 पर चलते हैं। ए वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम 9 AM, टाइम फ्रेम चल रहा है साथ में बच्चों। जस्ट इमेजिन पिक्चराइजेशन इसका पूरा दिमाग में, मान लीजिए आपके सामने एनिमेशन चल रहा है, एक जो वुमेन है वो अपने घर से निकलती है, एक महिला 9 बजे, वॉक्स विद स्पीड 5 km/h। तो 5 km/h कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, जब अंदाजा आप लगाएंगे 5 km/h, तो ध्यान में दिमाग में लेके आइए, आप ने स्कूटी चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलाई होगी, कार में बैठे होंगे, तो जब उसकी स्पीड कितनी रहती है, उसका जो स्पीडोमीटर की निडल है वो रहती है 5 km/h पे, तो किस स्पीड पे वो चलती है आपको अंदाजा होगा। आपको पता है कि कार में जब तक, मतलब कुछ कुछ कारों में सेटिंग होती है कि 20 km/h की स्पीड से ज्यादा स्पीड होते ही सीट बेल्ट का अलार्म उसमें बजने लगता है कि सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई तो लगा लें। यानी 20 km/h तक की जो स्पीड है वो सेफ स्पीड है, स्टैंडर्ड, यानी उससे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो भी कार में अलार्म नहीं बजता है। तो 5 km/h तो उसकी भी 1/4 हो गई। तो अब ये जो न्यूमेरिकल डेटा होता है बच्चों, न्यूमेरिकल में डेटा दिया हुआ होता है, ये हमारे बड़े काम का होता है, इससे हम सारे अंदाजे लगा सकते हैं, इसको फील करते हुए महसूस करते हुए चलना चाहिए। तो डेटा को महसूस करना सीखें। 5 km/h ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस, जो कि कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर है। नेचुरल है, अगर 2.5 किलोमीटर ऑफिस होगा तो हम पैदल ही जाएंगे या साइकिल से जाएंगे। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, शाम के 5 बजे तक वहां रुकती है, यानी 9 से 5 का ऑफिस है, प्रैक्टिकल डेटा है। एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो, वापस ऑटो से आती है, हो सकता है उसको जल्दी हो, विद स्पीड 25 km/h। अब जो ऑटो चल रहा है 25 km/h, तो मान लीजिए बैटरी से चलने वाला ऑटो है, उसकी मैक्सिमम स्पीड यही होती है 25 km/h। चूज सूटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो ये हमें ग्राफ बनाना है उसके मोशन के लिए। तो इंटरेस्टिंग टास्क है, कौन सा ग्राफ बनाना है? एक्सटी ग्राफ बनाना है। तो देखिए सॉल्यूशन, ये ग्राफ जो है हमें कैसा दिखने वाला है। 9 बजे ये स्टार्ट होती है। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया 2.5 किलोमीटर तक गई ऑफिस 5 km/h पे चल के, तो कितना टाइम लगने वाला है? आधा घंटा, 2.5/5, आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाएगी। तो ये 2.5 किलोमीटर पर यहाँ पर उसका ऑफिस है, तो पॉइंट ए ऑफिस पहुंचने का समय हो गया आधा घंटा,
तो 9 से कितने बज गए, 9:30, यहाँ पे बज गए 9:30। अब वो ऑफिस में ही है, कब तक, शाम के 5 बजे तक। तो 5 बी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा 5, ये थोड़ा सा शिफ्टेड है बच्चों, मिसप्रिंट है। 5 किसके ठीक नीचे होना चाहिए, बी के ठीक नीचे होना चाहिए 5, 5 बजे तक वो ऑफिस में रही। अब जब वापस ऑटो से आ रही है तो स्पीड अलग है, तो ऑटो से घर आने में उसको कितना समय लग रहा है, 2.5 किलोमीटर 25 की स्पीड से, 1/10 और 6 मिनट लग रहे हैं। तो 5 बजे तक ऑफिस में और 5:06 पर वो पहुंच जाएगी वापस घर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वापस 0। तो इस तरह से हम ये ग्राफ समझ सकते हैं। नाउ अनादर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये बच्चों लाइन से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप अटेम्प्ट करें। तो कुछ क्वेश्चन जैसे 3 सवाल हमने कर लिए, चौथा और मैं बता देता हूँ आपको, फिर आप घर पे इनको ट्राई करें, नहीं आने पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, physicsgyan.com, तो वहां से आप सॉल्यूशंस डाउनलोड करके सॉल्यूशन देख सकते हैं, और जिसका सॉल्यूशन आपको समझ में ना आए आप मेरे को क्वेरी भेज सकते हैं। ये ड्रंक कार्ड बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, पियक्कड़। तो आपको पता है कि ड्रंक कार्ड्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया, और यही ड्रंक कार्ड्स यानी कब संभाल लिया, लॉकडाउन के पीरियड में। और यही ड्रंक कार्ड्स क्या करते हैं बच्चों, देश का नेता चुनते हैं, क्योंकि देश के जो नेता हैं वो इन ड्रंक कार्ड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वोट के लिए। तो ड्रंक कार्ड जो है देश की सरकार भी बदल सकते हैं, क्योंकि शराब के बदले ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ड्रंक कार्ड, वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। जस्ट इमेजिन, जैसे कि आपने देखा भी होगा, कोई पी लेता है तो उसका दिमाग, नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है, रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। तो 5 कदम वो आगे बढ़ा रहा है, 3 कदम वो पीछे बढ़ाता है, पीछे हटता है, फिर वापस से 5 कदम आगे बढ़ाता है, और फिर 3 कदम पीछे हटता है, एंड सो ऑन। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है, और 1 कदम उठाने में उसको पूरा 1 सेकेंड लगता है। तो हमें एक्सटी ग्राफ बनाना है उसके मोशन का, और ग्राफ से ही डिटरमाइन करना है, एंड अदरवाइज दूसरे तरीके से एनालिटिकल मेथड से भी डिटरमाइन करना है कि कितने समय बाद वो 13 मीटर दूर जो खड्डा है उसमें जाकर गिर जाएगा। ठीक है, तो मजेदार सवाल है, इसका सॉल्यूशन आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, एनालिटिकली भी निकाल सकते हैं, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशन। देखिए, क्योंकि 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे बढ़ाता है, 1 कदम बढ़ाने में 1 सेकेंड लगता है, तो 8 सेकेंड में जो दूरी वो तय करेगा वो 5 मीटर आगे की तरफ और 3 मीटर पीछे की तरफ, तो कुल मिलाकर 2 मीटर आगे की तरफ। तो 16 सेकेंड में 4 मीटर आगे की तरफ, 24 स्टेप्स में 6 मीटर, 32 स्टेप्स में 8 मीटर, और 37 स्टेप्स में 13 मीटर तक वो पहुंच जाएगा। ये तो हुआ एनालिटिकली, हम निकाल सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं, ये एक तरीका है। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ लुक लाइक दिस, 5 कदम आगे ये पहुंच गया 5 पर, फिर 3 कदम पीछे तो रह गया 2 पर, कहां पर, जब टाइम है 5 + 3 = 8, फिर इसमें और 5 जोड़ दीजिए 13, और फिर 3 कदम पीछे, एंड सो ऑन। तो यहां जाकर हमें पता चल रहा है कि 37वें कदम पर वो 13 मीटर दूर खड्डे में गिर जाएगा। तो ये बच्चों जवाब आ गया हमारे पास। तो मैं समझता हूं मजेदार सवाल, मजा आया होगा आपको। आगे जो सवाल हैं, जस्ट ट्राई देम, सॉल्यूशंस अवेलेबल है जैसे मैंने बोला। तो ये कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं, आपकी डिमांड आएगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन, वेक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या 12th के सिलेबस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है।
और कंपटीशन में तो है ही सही। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं।